सो वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर। इस लेक्चर में हमको पढ़ना है फ्री बॉडी डायग्राम। देखो मैकेनिक्स में फ्री बॉडी डायग्राम एक तरीके से जैसे इंसान के अंदर उसकी रूह होती है ना, आत्मा, ये वैसी है। अगर ये नहीं आता तो नहीं बढ़ सकते आगे मैकेनिक्स। इसे सीखना बहुत ज़रूरी है ना। और इसको किताब से नहीं सीखो, बुक से नहीं सीखो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सीखना। बुक में इक्वेशन रटवाएंगे बताएंगे वो कुछ नहीं करना। मैं क्योंकि कोई भी चीज़ आपको रटने के लिए नहीं कहूँगा, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा उसको सीखना है बस। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि बॉडी को फ्री छोड़ो, बॉडी कहीं कनेक्ट होगी उसको अलग कर दो, फ्री छोड़ दो, और फिर उसके ऊपर लगने वाले जितने फोर्स हैं उनको शो कर दो। अंदर वाले नहीं, अंदर वाले मतलब पेट में दर्द है उसको नहीं दिखना, दिमाग में स्ट्रेस है उसको नहीं दिखाना, बल्कि ऊपर से कोई पकड़ के खींच रहा है, कोई घुसा मार रहा है, कोई पुटा के फेंक रहा, वो लगाओ फिर, समझ गए। चलो एग्जांपल लेते हैं ना। एग्जांपल मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक छत है, छत से स्ट्रिंग से एक पुल्ली बंधी हुई है, ये पुल्ली गोल से घूम सकती है, इससे स्ट्रिंग है, ये है मास M1, उधर रख दो, ये है मास M1, और इसी स्ट्रिंग से सेम स्ट्रिंग है, यहाँ पर है मास M2 एंड M1 इज ग्रेटर देन M2। अब इसकी पोजीशन में नहीं जाना सर, M2 वाला नीचे है M1 ऊपर, ऐसा मतलब नहीं। M1 इज ग्रेटर देन M2 यानी कि ये नीचे आ रहा होगा और ये ऊपर जा रहा होगा, ये A एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है तो ये कितने एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा होगा, A से। क्यों? क्योंकि सेम स्ट्रिंग है। और आपके सिलेबस में ये जो पुल्ली है ना, पुल्ली फ्रिक्शनलेस पड़ी जाती है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं, तो जाहिर सी बात है अगर एक सेकंड में ये 2 सेंटीमीटर ऊपर गया तो ये 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर नीचे आएगा, तो सेम एक्सेलेरेशन साथ आ जाएगा। इस कंडीशन में कहा जा रहा है कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए और इक्वेशन बनाइए। ये दो चीज़ें हम सीखेंगे, सॉल्व करना आगे बाद में सीखेंगे। तो चलो मैंने कहा ना ये न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है, अब हम क्या कर देंगे, FBD ड्रॉ करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। किसी एक ब्लॉक को उठा लो, चलो हमने इसको उठा लिया, इसको अलग कर लिया, इसको फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया। अब एक बात बताइए, इसका वेट किस तरफ लग रहा होगा, नीचे, हमेशा वेट नीचे की तरफ लग रहा, और आपका वेट आपको कहीं लेके जाने की कोशिश करेगा, मूव करेगा या कर सकता है, बस वो फोर्स देखना है, यानी उसकी पोजीशन को चेंज कर रहा हो या करने की कोशिश कर रहा हो, वो फोर्स लगा दीजिए। यानी इनका वेट, मास M1 का वेट नीचे लगेगा और इसको नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक। एक फोर्स ये हो गया, और मैंने आपको दूसरा कहा था, आपको ये करना है कि अगर जिस एक्सेलेरेशन से कोई बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना है, फोर्स लगा देना है। कौन सा फोर्स? M into A, न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से। तो यानी हमें ये मोशन किधर है, डाउनवर्ड, तो हमें फोर्स लगा देना है ऊपर, और ये होगा M1A, दो फोर्स हो गए। तीसरा फोर्स ये किसी रस्सी से बंधा है। एक बात बताओ, किसी रस्सी से किसी को धक्का दिया जाता है या खींचा जाता है? खींचा जाता है हमेशा, और जब किसी चीज़ को खींचा जाता है तो उसके अंदर टेंशन होता है, उसे कहते हैं टेंशन। हमेशा के लिए याद कर लीजिए, बॉडी से अगर कोई रस्सी बंधी है तो उस बॉडी से दूर की तरफ टेंशन फोर्स लगाना है, नज़दीक नहीं, खींचते दबाते हुए नहीं बल्कि खींचते हुए। और डायरेक्शन क्या होगा, लाइन क्या होगी, स्ट्रिंग के डायरेक्शन में। यानी देखो इस बॉडी से ये रस्सी बंधी है ना, तो ये रस्सी बंधी है, और अब इसमें फोर्स लगाना है इस रस्सी का, क्या लगाओगे, क्या रस्सी इसको धक्का दे रही होगी, नहीं, ये हमेशा खींच रही होगी बॉडी से दूर, ये हो गया बॉडी से दूर, और ये हो गया टेंशन T। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसके अलावा इसमें कोई और फोर्स नहीं है, जब सारे फोर्स शो कर दो तो हमें लिखना होता है σFx=0, σFy=0, ये बड़ा लंबा सा हैवी टर्म आता है, इसको भूल जाओ, ऐसे करो, दो आदमी तुमको ऊपर खींच रहे हैं, एक आदमी नीचे खींच रहा है और ये कहीं जा नहीं रहा। मैंने आपको क्या कहा था, इसको आज़ाद करो और रोक दो, ये यहाँ मूव कर रहा था, यहाँ मूव नहीं कर रहा क्योंकि हमने M2A लगा दिया है। अब क्या करना है, ऊपर का फोर्स M1A + T = M1G कर देना है, सिंपल इस बात, ये जितने फोर्स ऊपर लग रहे हैं इजुकल टू जितने फोर्स नीचे लग रहे हैं। इसी चीज़ को बुक की लैंग्वेज में ऐसे कहा जाता है
सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ, वाई डायरेक्शन में जितने फोर्स लग रहे हैं उनका अलजेब्रिक सम, क्या सम, अलजेब्रिक सम का मतलब होता है साइन के साथ, अलजेब्रिक सम होता है साइन के साथ। साइन का मतलब क्या हुआ भाई, कोई फोर्स ऊपर जा रहा है उसे पॉजिटिव कह दीजिए, और नीचे जा रहा तो, अगर कोई नीचे वाले को पॉजिटिव कहते तो ऊपर वाले को उसे क्या कहना पड़ेगा, नेगेटिव। मतलब आप फ्री हैं किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव लेने के लिए। मैं मान के चलता हूँ कि ऊपर वाले को मैं पॉजिटिव लूँगा, तो मैंने ले लिया ऊपर चल रहा है तो वो लिखूँगा मैं एम वन ए प्लस टी, ये नीचे तो माइनस एम जी, माइनस ले लिया इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हो गया सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये एम वन ए प्लस टी, इसको इधर ले, क्लियर। ये चीज़ क्या सेम नहीं है, तो आप जो सिग्मा एफ वाई लिखते हैं वही चीज़ को इस तरीके से लिखा जा सकता है इजी लैंग्वेज में, कि जो फोर्स ऊपर जा रहा है जो फोर्स नीचे जा रहा है बराबर कर दो। ऐसे ही सिग्मा एक्स में भी लिखा जाता है सेम, सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी, एक बॉडी की। दूसरी बॉडी की बात करते हैं, अब बताओ इसका वेट किधर लगेगा, नीचे, वेरी गुड, नीचे। और अब इस पर एक्सेलेरेशन वाला फोर्स किधर लगेगा, ना मोशन किधर है, इधर ऊपर, मोशन के अपोजिट में एम इन टू ए, मोशन के अपोजिट में एम टू ए, एक। अब लेकिन टी किधर लगेगा, हाँ रस्सी के डायरेक्शन में, स्ट्रिंग के डायरेक्शन में, बॉडी से दूर की तरफ, ये भी टी होगा, ये भी टी होगा। बताओ सेम क्यों है, क्योंकि सेम रस्सी है, जो टेंशन फोर्स यहाँ होगा वह यहाँ लगा रहेगा। अब देखो इक्वेशन क्या बन गई, क्या ये बन गया टी इज इक्वल टू एम टू ए प्लस एम टू जी, ऊपर जाने वाला पॉजिटिव नीचे जाने वाला निगेटिव। यहाँ से हम लिख सकते हैं टी माइनस एम टू ए माइनस एम टू जी इज इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन सेकेंड। और ये हो गया, इसको ऐसे लिख दो एम वन ए प्लस टी माइनस एम वन जी इज इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन फर्स्ट। क्या हमने एफ बी डी ड्रॉ करना और इक्वेशन बनाना सीख लिया, मैं आपको एक अभी दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई करीजिएगा, इसको पहले नोट करेंगे आप लोग और फिर इसको ट्राई करेंगे। ये रहा एक पुल्ली, इससे हमने ये बना दिया, ठीक है, ये हो गया M2 और ये हो गया M1, ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर आ रहा है एक सिलेशन से। आपको एफ बी डी ड्रॉ करना है और इक्वेशन बनाना है, ठीक है। चलिए पहले नोट कीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करिए। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आपने सही किया गलत किया। ऑब्वियसली मुझे क्या करना है, सबसे पहले बॉडी को अलग कर देना है, तो बॉडी को मैंने अलग कर दिया। इसका वेट नीचे की तरफ एम वन जी, पहली बॉडी को मैंने अलग किया। जाहिर सी बात है कि ये नीचे आ रहा है तो ऊपर के डायरेक्शन में लगा देंगे एम एम वन ए, टेंशन टी स्ट्रिंग में होगा और बॉडी से दूर होगा, ठीक। इक्वेशन क्या बना, एम वन ए प्लस टी इज इक्वल टू एम वन जी। आप सिग्मा एफ वाई करके भी लिख सकते थे, दोनों सही हैं। तो एम वन ए प्लस टी माइनस एम वन जी इज इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा देखिए, यहाँ पर एम टू की बात करते हैं, ये हो गया एम टू, वेट नीचे की तरफ हमेशा की तरह, और ये जा रहा है मोशन है ऊपर की तरफ, तो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी नीचे होगा एम टू ए, इसमें ढाल लगा, स्ट्रिंग लगा हुआ है रस्सी, ये रहा रस्सी, और बॉडी से दूर की तरफ टी लगा दूँ, तो यहाँ हो गया टी इज इक्वल टू एम टू ए प्लस एम टू जी, तो टी माइनस एम टू ए माइनस एम टू जी इज इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन सेकंड। इजी है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल हमने सीख लिया। अब चलो दूसरा सिखाते हैं, एक और वैरायटी सिखाते हैं, एफ बी डी ड्रॉ करना। एफ बी डी ड्रॉ करना आ गया ना, तो न्यूमेरिकल तुम उड़ा दोगे, इक्वेशन बन गया, ये बन गया, तो देखना। चलो उसके बाद फिर कैलकुलेशन बचता है हमारे पास। चलो एक कंडीशन हम ये लेते हैं कि मान लीजिए ये कोई टेबल है और यहाँ पर हमने लगा रखा है पुल्ली, ठीक है, यहाँ पर एक ब्लॉक है,
और ये यहाँ से रस्सी बंधी हुई है और ये एक ब्लॉक ही लटका हुआ है। ये है M1, ये है M2। जाहिर सी बात है ये नीचे आएगा A एक्सीलरेशन से। जब ये नीचे आएगा तो ये किधर जाएगा, राइट में या लेफ्ट में? राइट में जाएगा, जाहिर सी बात है। ये इसको रस्सी पकड़ के इधर खींचेगा तो राइट में जाएगा। अब यहाँ पर अगर दोनों के एफ बी डी ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे? देखो, पहले मैं M1 की बात कर रहा हूँ, वेट नीचे की तरफ, M1 जी मोशन किधर है? नीचे। एम ए किधर लगेगा? ऊपर। वेरी गुड, ये लग गया एम वन ए। क्या कोई और फोर्स बचा? टेंशन। रस्सी है, रस्सी बनी हुई है बॉडी से दूर की तरफ, टेंशन टी। बस देखो यहाँ पर क्या हो गया, एम वन ए प्लस टी इज इक्वल टू एम वन जी। एम वन ए प्लस टी माइनस एम वन जी इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ यूज़ कर रहे हैं लेकिन भी थर्ड लॉ यूज़ नहीं किया है। आज जो थर्ड लॉ यूज़ करते हैं, ये इसको बनाते हैं। देखो एक बात समझो, ये है M2, इसका वेट नीचे डाउनवर्ड, ठीक है। एक बात बताओ, ये ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है इस सरफेस पर, इस ब्लॉक ने इस सरफेस पर कितना फोर्स लगाया? एम टू जी। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं इस अर्थ पर अपना वेट, मेरा जितना वेट है वेट, वो फोर्स लगा रहा हूँ इस अर्थ पर। अर्थ क्या करेगा? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। इसको कहते हैं रिएक्शन फोर्स। क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है कि ये सरफेस इस ब्लॉक पर, इस ब्लॉक पर अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लगाएगा। तो यहाँ हो गया रिएक्शन R। एक बात रिएक्शन के लिए रखिएगा, जितने कांटेक्ट उतने रिएक्शन। कोई ब्लॉक जितनी जगह कांटेक्ट में होगा उतना ही रिएक्शन होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और ऐसे खड़ा हूँ। अब मेरी बॉडी पर कितने रिएक्शन हैं? दो रिएक्शन हैं। एक रिएक्शन मिल रहा है सरफेस से नीचे से ऊपर और दूसरा रिएक्शन मिल रहा है इस वॉल से। मैं इस वॉल से टिक लगाया हुआ हूँ यानी मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये वॉल क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से लगाएगा फोर्स। तो हमेशा याद रखना है, जितने कांटेक्ट उतने रिएक्शन। और जब मैं फ्रिक्शन पढ़ाऊँगा ना तो मैं कहूँगा जितने कांटेक्ट उतने रिएक्शन उतने फ्रिक्शन। अभी फ़िलहाल के लिए रिएक्शन तक चलते हैं। तो जाहिर सी बात है ये हो गया रिएक्शन फोर्स। अब देखो इसका मोशन किस तरफ है, राइट में, जाहिर सी बात है तो लेफ्ट में लग जाएगा एम टू ए। क्या कोई रस्सी से बंधा है, स्ट्रिंग है, किधर है? इधर लगा दो, टेंशन टी। सेम टेंशन, सेम धागा, सेम टेंशन हो गया। अब इससे देखो दो इक्वेशन निकलेंगी, कौन कौन सी? वाई में और एक्स में। क्या वाई में ऐसे निकलेगा आर इज इक्वल टू एम टू जी या आर माइनस एम टू जी इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन सेकेंड। वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में क्या करेंगे? T इज इक्वल टू एम टू ए, तो T माइनस एम टू ए इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन थर्ड। क्या हमें कुछ रटना पड़ रहा, कोई फॉर्मूला रटना पड़ रहा? नहीं। तो बुक में आपको रटने के लिए दिखा जाएगा कि जब पुल ऐसे चले तो एक्सेलेरेशन इनका ये होगा, इनका एक्सेलेरेशन फार्मूला ये होगा। हमें कुछ नहीं करना, हमें एफ बी डी ड्रॉ करना है सही सही, और फिर उस एफ बी डी की हेल्प से हमें क्या बना लेना है, इक्वेशन बना लेना, और इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। अभी हम लोग इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं आपको एक नया देता हूँ उसको ड्रॉ करिएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए, बहुत आसान है एकदम, सेम वैसे ही है ना। कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो आसानी से कर लेंगे। ये M2 का अगर ड्रॉ किया जाए तो नीचे M2 G, मोशन नीचे है तो ऊपर की तरफ M2 A, और स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो ऊपर T। क्लियर, इक्वेशन बन जाएगा क्या यहाँ पर, एम टू ए प्लस टी इज इक्वल टू एम टू जी। यहाँ से एम टू ए प्लस टी माइनस एम टू जी इज इक्वल टू ज़ीरो, सिंपल। अब आ जाते हैं एम वन पर, तो ऊपर की तरफ, सॉरी पहले ऊपर की बात नहीं करते हैं, सबसे पहले नीचे बना दो एम वन जी, इसका वेट। जाहिर सी बात है ये अगर इस पर फोर्स लगा रहा है तो यहाँ से रिएक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ से एग्रेशन फोर्स लग गया ऊपर की तरफ,
आर, इस पर ये रहा रस्सी, इधर स्ट्रिंग, तो इधर लग जाएगा टी। इसका मोशन है डाउनवर्ड, तो जाहिर सी बात है ये लेफ्ट में मूव करेगा, और जब ये लेफ्ट मूव करेगा तो राइट में हम क्या लगाएंगे, एम वन ए। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, आर माइनस एम वन जी इज इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन सेकेंड, एंड एम वन ए माइनस टी इज इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन थर्ड। सिंपल आ गया होगा। आइए कुछ और चीज़ें सीखते हैं ना, इधर देखो भाई। चलो अब क्या करते हैं, हम लोग इंक्लाइंड प्लेन ले लेते हैं और उससे सीखते हैं। देखना, थोड़ा ध्यान देना, ये हमारे पास हो गया एक इंक्लाइंड प्लेन, ये एंगल थीटा है, यहाँ से एक ब्लॉक रखा हुआ है और यहाँ पर लगा हुआ है पुल्ली, रस्सी से बांधा और इधर एक ब्लॉक लटका दिया, ये M1, ये M2। इसका मोशन जो है यहाँ पर क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं, ये इस तरफ आ रहा एक सिलेशन से लेफ्ट में, तो जब ये लेफ्ट में आएगा तो इधर किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। दोनों का FBD ड्रॉ करना, सबसे पहले इजी वाले का ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर सीधे सीधे हो जाएगा नीचे M1G, और ऊपर ही रस्सी है तो रस्सी में T लग गया, मोशन ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, M1A। सिंपल लिख दे देंगे इक्वेशन, T माइनस M1A माइनस M1G इज इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन फर्स्ट। अब आज जो नई चीज़ सीखते हैं यहाँ पर, देखो इसको ज़रा अलग बना लो ताकि आसान लगे आपको, वहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर क्या होगा ना, ये ब्लॉक है, इसका वेट यहाँ से, सेंटर से मत लेना, होगा सेंटर से लेकिन हम लोग क्या करते हैं इजी करने के लिए यहाँ से लेते हैं, यहाँ से इसका वेट होगा नीचे M1G, हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, लेकिन रिएक्शन ऊपर नहीं निकलेगा। रिएक्शन कितने निकलेगा, प्लेन के परपेंडिकुलर लगता है, कैसे निकलता है, हाँ जैसे मैं बताया था ना, मैं ऐसे खड़ा हूँ, तो इसका रिएक्शन कैसे निकलेगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो जिस प्लेन से कांटेक्ट बनेगा उस प्लेन से परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर क्या करो, ये रहा प्लेन, इस प्लेन से परपेंडिकुलर निकालो, ये आर रिएक्शन हो गया। इसमें क्या रस्सी लगी हुई है ऊपर, तो इसी लाइन से यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर दो और ये हो गया टी। अब बताओ ये किधर जा रहा है, नीचे या ऊपर, इधर नीचे, तो इस तरफ ही लगा दोगे तुम एम टू ए, क्लियर। और कोई फोर्स बाकी है, सब हो गए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ना एक्स में है ना वाई में है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई के कंपोनेंट में लेकर के आना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्स और वाई में नहीं लाएंगे, मेरा एक्स ये बनेगा और मेरा वाई ये बनेगा आसानी के लिए, क्यों इस तरफ और इस तरफ बनाना आसान होगा। अब देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो गया, सही है, ये एंगल थीटा है और ये कितना है 90, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, अरे भाई बहुत आसान है, कैसे कर रहे हो तुम लोग, थीटा 90, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, कैसे आता है, टोटल तीनों का सम कितना होगा 180, जब आप रखो तो यही आएगा, तो इस चीज़ को याद कर लो, ठीक है। तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, बताओ ये कितना होगा, थीटा, नहीं समझी, एक बात बताओ, ये पूरा 90 है, अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 60, कैसे पता किया, टोटल में से इसको माइनस कर दिया, ये तो किया, तो ये बताओ टोटल कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 है ना, ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा, बस समझ में आ गई। अब तुम डायरेक्ट करना, ये थीटा तो इसको सीधे थीटा लिख लेना। अब मैंने आपको कंपोनेंट बनाना सिखाया है अपने राइट में और लेफ्ट में, अपने राइट में और ये जो राइट और लेफ्ट होंगे इनके बीच एंगल कितना होगा 90, वेरी गुड। तो एम जी को तोड़ना है, ब्रेक करना है, किधर, अपने राइट में और इसका राइट ये होगा ना और इसका लेफ्ट ये होगा, देखो तुम बैठो यहाँ पर, तुम देखो इसका राइट ये रहा इसका लेफ्ट ये रहा, क्या इसमें और इसमें 90 एंगल है, हाँ है। अब बताओ कि इधर क्या होगा M1, हाँ वेरी गुड, M1G साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा इधर है
और इधर होगा एम वन जी कॉस थीटा, सिंपल, ये कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया। क्या सारे फोर्स इस लाइन में और इस लाइन में आ चुके हैं हमारे? बस अब क्या करो, इक्वेशन बना दो इसी डायरेक्शन में। कैसे करोगे? इसको लिखो टी प्लस एम टू ए माइनस एम वन जी साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक। इधर बनाओ आर माइनस एम वन जी कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन फोर्थ। समझ में आया? तो हमें क्या करना था, हमें यहाँ पर सिर्फ जितने फोर्स दिखाने थे, लेकिन ये जो डाउनवर्ड वाला फोर्स है ना, इसका कंपोनेंट बनाना था, और जब कंपोनेंट बन जाएगा तो इक्वेशन लिखना आसान हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, नोट कर लीजिए, फिर उसको ट्राई कीजिए आप लोग।